मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इछावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल के समर्थन में झागरिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इछावर विधानसभा क्षेत्र में अनेकों समस्याएं हैं और इसका निराकरण हमारी पार्टी से कांग्रेसी प्रत्याशी और पूर्व विधायक पटेल ही करेंगे। उनको अपना आशीर्वाद प्रदान आपको करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस की सुनामी चल रही है। इस सुनामी में शिवराज की बीजेपी सरकार बह जाएगी और जनता कांग्रेस को विजय बनाकर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित करेगी। ये तो आदिवासी विरोधी है शिवराज सिंह चौहान, इसके राज में जितना नुकसान की प्रताड़ना अनुसूचित जाति जनजाति की हुई है और कभी नहीं हुई होगी। पूरा अनुसूचित जाति जनजाति का बजट इन्होंने दूसरे मदों पे खर्च कर दिया। ये घोर अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी व्यक्ति है। सर इस बार क्या लगता है कांग्रेस सरकार बना रही दमदम